हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़कियां सबसे ज़्यादा किस उम्र में बॉयफ्रेंड बनाती हैं, या आप कह सकते हो कि एक लड़की सबसे ज़्यादा किस उम्र में रिलेशनशिप में आना पसंद करती है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊंगी। अगर आप सिंगल हो और किसी लड़की को इंप्रेस करने के बारे में सोच रहे हो या किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप करना चाहते हो, तो अगर आप इस एज की लड़की पर ट्राई करते हो ना, या इस एज की लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पर ज़्यादातर चांस है कि वो लड़की जल्दी इंप्रेस हो जाए। क्योंकि ऑलरेडी इस एज में आते आते ज़्यादातर लड़कियाँ रिलेशनशिप में आने में इंटरेस्ट रखती हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊँगी। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें। तो भाई, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, जिस तरह से एक छोटे बच्चे को, एक जो स्कूल जाता है ना, उसको हमेशा फ़ोन से दूर रहने के लिए अवॉइड किया जाता है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर, उसके मन में एक क्यूरियोसिटी होती है फ़ोन चलाने की, गेम खेलने की, हर चीज़ की, उसी तरह से एक एज ऐसी होती है जहाँ पर एक लड़की को रिलेशनशिप में आने में ज़्यादा इच्छा करती है। आप कह सकते हो कि उनके मन में एक क्यूरियोसिटी होती है उस रिश्ते को जानने की, अपनी सहेलियों को देखकर, आसपास के माहौल को देखकर, ठीक है। और ये एक ऐसी एज होती है जहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आ भी जाती हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे एक तरह से मोस्टली लड़कियों का माइंड बिल्कुल फ्री रहता है, पढ़ाई से, स्टडी को लेकर, हर चीज़ से माइंड जो है फ्री रहता है। वो इस टाइम पर वो रिश्तों को निभाने के बारे में सोचते हैं। और आजकल के टाइम में ज़्यादातर लड़कियाँ इस एज में सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में आती हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा बॉयफ्रेंड बनाना पसंद करती हैं। फिर चाहे वो एक कॉलेज गर्ल हो या फिर एक नॉर्मल ऐसी नॉर्मल लड़की हो, ठीक है, कोई भी काम ना करती हो, लेकिन फिर भी उसके मन में क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है। और इस एज में आते आते लड़कियों के मन में क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ को जानने में। तो वो एक ऐसी एज है जिसमें अगर आप इस एज की लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे, और वो लड़की अगर सिंगल है, तो वहाँ पर ज़्यादातर चांस है कि वो लड़की आपसे इम्प्रेस होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी, ठीक है, आपसे बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाएगी और आपका रिलेशन शुरू हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ। वो एक ऐसी एज है, लाइक अराउंड आप कह सकते हो 21 से जो 28 साल की जो लड़कियाँ होती हैं, इस एज की लड़कियाँ मोस्टली जो लड़कियाँ होती हैं बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आना पसंद करती हैं। एक तरह से इनको समझ भी होती है कि रिश्ते में आने के बाद क्या क्या होता है, रिश्ते को कैसे निभाते हैं। और दूसरा, अगर सिंगल हैं तो इनके मन में क्यूरियोसिटी होती है उस रिश्तों को जानने में, रिलेशनशिप में आने के बाद कौन सी चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है, इंसान कैसे बदल जाते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे मन में उनकी इच्छाएं होती हैं, क्यूरियोसिटी होती है उस रिश्ते को निभाने के, और सहेलियों को देख देख के। आज के टाइम में आपने देखा होगा इस एज में बहुत ज़्यादा लड़कियाँ रिलेशनशिप में होती हैं, चाहे पार्क में देखा होगा, पब्लिक प्लेस में देखा होगा, कहीं भी हो, आपने देखा होगा कि इस एज में ज़्यादातर लड़कियाँ रिलेशनशिप में होती हैं, एक ना एक का बॉयफ्रेंड ज़रूर होता है। तो ये एक ऐसी एज है, ठीक है, जिसमें मोस्टली लड़कियाँ रिलेशनशिप में आना पसंद करती है, ठीक है, और ये एक मिडिल एज है, ठीक है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा ज़्यादा है, ठीक है। इस एज में एक मोस्टली लड़कियाँ, तो आप समझ गए होंगे कि किस एज में आते आते ज़्यादातर लड़कियाँ रिलेशनशिप में आना पसंद करती हूँ। अगर आप किसी ऐसी एज की, इस एज की लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश करोगे, उन्हें पसंद करते हो, तो वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा उन्हें प्यार दिखाते हो, थोड़ी सी केयर दिखाते हो, ठीक है, तो वहाँ से वो जल्दी आपसे इंप्रेस हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ज़्यादातर लड़कियाँ किस उम्र में सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में आना पसंद करती हैं या फिर बॉयफ्रेंड बनाती हैं। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।